गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और शक्ल से मेरे आप देख सकते हो एक्साइटमेंट लेवल कितना ज्यादा है क्योंकि भाई की शादी है। जितना ज्यादा मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि देखो कितना फन होता है और क्या क्या रस्में होती है और क्या क्या हमने करा है वो मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगी, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। और देखो यहाँ पे मंडली चालू होगी बैठना और ये हमारा लड़का। भाई कुछ कहना चाहते हो? अभी आप अनमैरिड हो, कुछ दिन बचे हैं बस। शादी का जो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है भट्टी पूजन से शुरू। और भट्टी पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि हलवाई के हाथ में सह बरकत रहे। उसके बाद कितना खाओ, कितना बखेरो, कितना लेना देना करो, कोई ख़त्म ही नहीं होगा। भंडारा इतना भरेगा सतगुरु की दया से, ठीक है? तो इसलिए करते हैं और अपने दही देवता को निमंत्रण देते हैं। भट्टी पूजन के बाद देखो अब हम हलवाइयों को खिलाएंगे मिठाई, ठीक है? मिठाई खिलाएंगे, उनके टीके लगाएंगे और उनके हल्दी के थापे मारेंगे। ये एक हमारी रस्म होती है, जैसे हमारे होली के त्यौहार पे होली खेलते हैं, रंग लगाते हैं, तो ऐसी ही एक रस्म होती है शादी में भी। हमारे शुभ रहे और हंसते खेलते रहे, ऐसे हलवाई हंसते खेलते हुए खाना बनाते। अब देखो ताई को देखो। दूसरा जो हमारे प्रोग्राम शुरू होता है वो होता है भातियों को भेली दे के नौतना। और अपने भाइयों को ये बताने का, भेली देने का मकसद यही होता है कि भाई हमारे घर में शादी है, इतनी तारीख की हमारी शादी है और आपको भात लेके आना, खुशी खुशी आना, जितना जो भी बन जाए आपसे हमारा सम्मान करना। नहीं, पैसे तो हमारे सारा लड़की ने एक्सटेंशन में करा दिया खत्म। इसको पैसे दे दो जितने भी चाहती है और मेरे अकाउंट में करा दो। और हम फुल्ली एंड कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं और पलक को रेडी किया है भाई शादी ने। आप इनका पेट चेक कर सकते, बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। इसका नहीं, इसका मैं फ्रीलांसर हूं, सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट। इसका लाइनर देखो आप कितना बढ़िया है, तो वो बिकॉज ऑफ भाई शादी ने। और पलक की साड़ी ये है, आप साइकिल करा है मैंने। हां आ नहीं, बस वेरी प्रिटी, बस लगा चुका लगा लो। ये खाना रेडी है और ये हमारे भाते हैं, अभी भात भरेंगे, उससे पहले हम इनकी पेट पूजा कर रहे हैं सबकी। वीरवर्धन अपने बर्थडे की तैयारी सारी खुद ही कर रहा है, ये रिस्क नहीं लेना चाहता किसी के साथ भी, तो पूरा लगा पड़ा है प्रिपरेशंस में। और अब यहाँ पे लड़की वाले आ चुके हैं लगन लेकर। प्रोग्राम बाहर चल रहा है पर सबसे खूबसूरत लड़कियां यहाँ बैठी हैं। एक तो छिपी हुई है बाथरूम में
राधिका आगे, राधिका बाहर। हाँ बता बता राधिका। और ये अभी लगन ली जा रही है ना, लगन लेके फिर भात का प्रोग्राम चालू होएगा। असल बसल पूरा हो रखा है। हमारे रितेश भाई शादी होने वाले, तो देखो भाई लोग सीरियसनेस अलग ही दिख रही है, वैसे नहीं रहती है सीरियस। पर आज जब इनका होने वाला है काम, थोड़े दिनों में होने वाली है इनकी शादी, तो ये अपना सीरियस मूड ऑन कर लिया है इनमें। मेरी रील्स देखते रहते हैं लोग, इतना प्यार करते हैं मेरे भाई। बोल बोल क्या कहना चाहती है, बोल। इन्होंने हम भूखे बिठा रखे, अभी तक 2 घंटे हो गए हमको यहाँ पे वेट करते करते, और आप जाके नहीं आ रहे। इसने कुछ खिलाया ही नहीं यार, ये तो पतली भी होगी बैठी बैठी। इसको देख के लग नहीं रहा कि हमने कुछ नहीं खिलाया है, ठीक है? तो कुछ नहीं खिलाया। जान विद लगान। तुम पीछे क्यों सबसे हैं? बताओ भरतू। अच्छा चलो मामा जी ये बताओ, भात क्यों दिया जाता है? भात की बहुत पुरानी परंपरा है। हाँ। बहुत पुरानी परंपरा, जब से लगा लो नरसिंह का भात था, तो जब से परंपरा और तेज चली इस बात की। भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की लाज के लिए नरसिंह का भात दिया था। नरसिंह भी सेठ हुआ करते थे, सेठ थे। उसके बाद में उसके बाद जनता से मोह खत्म हुआ, परमात्मा में मोह शुरू हुआ, तो बाबा जी बन गए। उसकी बेटी बहुत रहस करके बह हुई थी, तो उसके सासू ने ससुर ने धन मांगा बहुत सारा, उसके पास धन नहीं था नरसिंह भक्त के पास में। जिसका अपमान हुआ तो परमात्मा ने उसकी, भगवान कृष्ण ने उसकी लाज बचाई और लाज रंग दिया, अपने आप बात करके सारी इच्छाएँ पूरी कर दी। अच्छा, जो धनवंती बेटी थी उसकी। तो जब से परंपरा चली जा रही है, हर आदमी अपनी बेटी के लिए कुछ देता है। ये तो प्यारे से भाई, अब ये बताएंगे इनको कैसा लग रहा है रितेश भाई की शादी होने वाले कुछ दिनों में। Yeah, I'm feeling very good for Ritesh Chari. कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अमन would like to say something. बोल बे। बहुत स्वादिष्ट है ना। अबे तुझे लग कैसा? लग तो अच्छा ही रहा है, स्वादिष्ट है पर खाने की बात नहीं, दूल्हे की बात करें। दूल्हे की दूल्हा तो अच्छा है और दुल्हन उससे भी अच्छे। अच्छा, तुझे भाभी ज्यादा सुंदर लगी भाई से? बताती हूँ भाई को। Thank you.
अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट फंक्शन की तरफ जो कि है वीरवर्धन का बर्थडे। उसके फेस से आप देख सकते हो कि वो अभी जस्ट सोकर ही उठा है। और ये जो केक्स में कॉन्ट्रास्ट है ना, वो इसलिए है, एक तरफ शार्क डूडू और दूसरी तरफ एमएमए की रिंग, क्योंकि वीरवर्धन है अभी शार्क डूडू वाले फेज में और उसके मामा रितेश भाई उसको फाइटर बनाना चाहते हैं, तो अभी से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। कल जो लग रही थी मास्क, आज देखो हो रही है साख। हो क्या रहा है? मूंगफली की पैक, मूंगफली जो लेडीज गाना गाना आएंगे उनको देंगे। गीत हमारे अभी घर तो हमारे गीत गवाएंगे, बनने गवाएंगे, उनके लिए मूंगफली दी जाती है। ये दो कारीगर बुलाए गए मूंगफली के लिए। ये भी छावड़ी इनकी वाइफ।